सभी को नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो डिवीजन ऑफिस में स्टाफ ब्रांच में काम करते हैं, और स्टाफ की आईडी जो कि किसी का जब ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो दूसरी आईडी में कैश के पावर असाइन करने होते हैं। कैश के पावर असाइन करने के लिए ये जो है फाइल कैसे अपलोड करके कैश के पावर असाइन किए जाए, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। टी कोड है, ये टी कोड देखिए ZFI_WF_UPLD। इस टी कोड से करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ये बहुत ही सिंपल है, आप खुद टाइप करके भी बना सकते हैं। इसमें जो है 6 कॉलम है, 6 कॉलम का ही आपको बनाना है, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा भी नहीं कर सकते, एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना पड़ेगा। फर्स्ट है प्रॉफिट सेंटर, अपना वो प्रॉफिट सेंटर लिख दीजिए जिसमें पावर आपको कैश के असाइन देना है, और बाद के जो कॉलम है उसमें उस आईडी को आपको टाइप करना है जिसमें आपको ये जिस तरह के पावर देना है। तो आपको ये टेम्पलेट तैयार कर लेना है। अभी मैं सामने एक टेम्पलेट मैंने आपके सामने तैयार किया और इसे मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड करने के लिए ये टी कोड है ZFI_WF_UPLD, टाइप करिए, एंटर हिट करिए। एंटर जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फाइल अपलोड करने के लिए बोलेगा, और हमने जो फाइल एक्सेल की तैयार किए हैं उस फाइल को सिंपल अपलोड कर दीजिए। अलाउ अलाउ करना होगा, बीच में आएगा तो अलाउ अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो डिवीजन ऑफिस में काम करते हैं वो एक एक प्रॉफिट सेंटर में जाके एक एक आईडी को स्टोर करना बहुत ही लेंदी हो जाता है, और इसका जो है ट्रांसफर करते समय बहुत ही अधिक टाइम वेस्टेज बहुत अधिक होता है। अब देखिए कैसे, मैं एक प्रॉफिट सेंटर में बहुत सारे पावर्स मैंने उसमें असाइन कर दिए इस टेम्पलेट के माध्यम से। तो आप लोग भी इससे के माध्यम से अपना जो है समय बचा सकते हैं और एक साथ बहुत सारे प्रॉफिट सेंटरों में अपना पावर कैश के पावर असाइन कर सकते हैं, ताकि वो कैश का अब लेन देन कर सकेंगे। इसके बिना कैश का लेन देन नहीं किया जा सकता है। अब वापस से जाके हम देखते हैं सिंगल प्रॉफिट सेंटर में। देखिए ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये सिंगल सिंगल प्रॉफिट सेंटर में जाके सिंगल सिंगल आईडी को सेव करने वाला कमांड है। पहले इसी से ही सारा जो पावर है असाइन किया जा रहा था। देखिए ये मैंने जो पावर असाइन किया एक साथ लमसम मैंने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद ये देखिए सारा पावर एक साथ असाइन हो गया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं कुछ टेक के वीडियो लेकर आता हूँ पोस्ट ऑफिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।